पूछना चाहता हूं मीडिया से मीडिया के बिना हम अधूरे हैं मीडिया के बिना लोकतंत्र कभी स्वस्थ रूप से आगे नहीं बढ़ सकता है विदाउट मीडिया दिस डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट डेमोक्रेसी कैन नेवर मूव अहेड इफ यू डू नॉट सपोर्ट मीडिया एंड द मीडिया डज नॉट सपोर्ट अस एस्टॉनिशिंग द लैंग्वेज दैट मिस्टर राहुल गांधी यूज फॉर मीडिया टूडे वॉज अ लो जिस प्रकार से मीडिया को जनरलाइज टर्म में सबको बिका हुआ बताया गया मुझे लगता है आज मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार वो राहुल गांधी से सवाल कब करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी आज हम फ्रॉम दिस हाई टेबल ऑफ भारतीय जनता पार्टी वी वुड लाइक टू अपील योर लॉर्डशिप दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब इंडियन जुडिशियरी को राहुल गांधी भरे मंच पे खड़े होकर रामलीला मैदान में जिसका प्रसारण समस्त भारत में हो रहा हो जब जुडिशियरी को राहुल गांधी बिका हुआ दबाव में काम करता हुआ बताते हैं तो कहीं ना कहीं द अटैक इज डायरेक्टली ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भारत के संविधान के ऊपर हमला है ये जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला है और हम तो आग्रह करेंगे इसमें जुडिशियरी को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य का और यह कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी के नेता इस भाषा का प्रयोग जुडिशरी के लिए नहीं कर रहे हैं आज विश्व में अगर सबसे कायदे से काम करने वाली सबसे सशक्त जुडिशरी किसी की है सबसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी किसी की है तो वो हिंदुस्तान की है आज विश्व में अगर इलेक्शन कमीशन ने कीर्तिमान स्थापित किया है इतने बड़े देश में जहां हर समय चुनाव होते रहते हैं परिपक्वता के साथ नॉन बायस तरीके से अगर चुनाव लड़वाने का काम किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने किया है ये वह कांग्रेस पार्टी है जो बार बार इलेक्शन कमीशन को धता बताती है नाच न जाने आंगन टेढ़ा खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को बिका हुआ बताते हैं उद्योगपतियों के दबाव में काम करने वाले बताते हैं यह बहुत ही चिंता का विषय है और मुझे लगता है प्रत्येक हिंदुस्तानी को इसका संज्ञान लेना चाहिए जुडिशियरी इलेक्शन कमीशन मीडिया को बिका बताने वाला नेता कभी भी सही मायने में नेता नहीं हो सकता और जहां तक जांच एजेंसियों का सवाल है भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए जिन लोगों ने देश के करोड़ों रुपए का गबन किया जो लोग आज बेल पे बाहर हैं, कांग्रेस के दर्जनों नेता आज बेल पे बाहर है बिकॉज ऑफ द ह्यूमोंगस करप्शन दैट दे कमिटेड और स्वाभाविक है भ्रष्टाचार किया है तो जांच होगी इसलिए यह बताना कि एजेंसीज उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर के गिल्ट भाव को आपके अंदर के ग्लानी भाव को दर्शाता है राहुल जी आपने कहा कि हिंदुस्तान की जो हालत है वो खराब है राहुल जी हिंदुस्तान की हालत आज क्या है शायद आप नहीं जानते हैं मगर हम आपके नॉलेज को दुरुस्त करते हैं Let me enlighten you as to what is the condition of India today. Only a couple of days ago, we got the good news that while India was celebrating Azadika Amrut Mahotsav and while we were celebrating 75 years of our independence, India surpassed United Kingdom economically. Today, we are the fifth largest economy of the world. Today, we are the fifth largest economy of the world.